हमारी मेंबर हैं और उनका केमो के लिए उन्होंने मदद मांगी है। प्लीज मैं हट जाती हूँ, मैं इधर चली आती हूँ, लीजिए। और रितु और दीप सिखा प्लीज थोड़ा डी से बना लीजिए, थोड़ा दूर हो जाइए ना, थोड़ा। साउंड बंद कर दो भाई, यहाँ अब इतने में तो चढ़ गई मैं। नहीं, साउंड मत बंद कीजिए अभी, मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि किसले जी वहीं मौजूद हैं और दीप सिखा और रितु, मैं आपको बोली आप उधर प्लीज जाइए, दीप सिखा रितु आप प्लीज आप दोनों जाइए ना, दीप सिखा आप वहाँ जाइए। किसले जी और भी लोग पहले एक मदद करना चाहते हैं वो कैंसर पीड़ित के लिए, और आप सबसे अनुरोध है जो भी जितनी भी इच्छा हो सब लोग थोड़ा थोड़ा पहले कंट्रीब्यूट कीजिए उस कैंसर पीड़ित के लिए। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हमारे किसले जी करने जा रहे हैं, दीप सिखा वहाँ रहेंगी, दीप सिखा जाइए प्लीज, रितु वहाँ जाइए, रितु और दीप सिखा जाएंगी और सभी से कलेक्ट करेंगी जो भी जो वहाँ है। दीप सिखा किसले जी 5,000 दिए, सब ताली तो बजा दीजिए, देखिए इतने अच्छे कैंसर पीड़ित के लिए सब लोग। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ जो भी जो देना चाहते हैं, देखिए विजय जायसवाल जी ने दिया है, रितु लीजिए, दीप सिखा, रितु प्लीज, आप दोनों जो भी लोग देना चाहते हैं प्लीज पहले वो कलेक्ट कीजिए, बाद में केक कटिंग करेंगे, पहले वो एक नई कार्य करते हैं। सब लोग से अनुरोध है। शैलेंद्र चौधरी जी वो भी दिए हैं, प्लीज रितु तक पहुंचा दीजिए प्लीज, जो भी देना चाहते हैं प्लीज, हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं। अरुण चौधरी सर भी दे रहे हैं, प्लीज 500 प्लीज पहले ये कर लेने दीजिए, उसके बाद करिएगा, पहले जो भी लोग देना चाह रहे हैं ना वो कलेक्ट कर लेते हैं। शेखर और प्रमोद जायसवाल जी 500 मैं सामने दिखा दे रही हूँ, जो भी लोग देना चाहते हैं प्लीज दीजिए, पहले आप दीजिए कैंसर पीड़ित के लिए। खराब हो जाता है, जगदर प्रसाद जी वकील साहब दे देंगे सब दे रहे हैं तो सबका मान बोल भैया पीछे थोड़ा चलिए, केक कटिंग करेंगे, मैं भी चाहती हूँ सरोज दी माइक दे दो भाई, दीजिए माइक दे दीजिए, पहुंच जाएगा इधर से, ऐसे हम लोग भी वही कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जन्मदिन में शिरकत हुए हैं। देखिए कुछ भी अच्छा काम करने के पहले हम लोग एक हेल्पिंग नेचर काम करते हैं, तो हमने सोचा कि आज जन्मदिन भी है और एक अच्छा माहौल है।
उसके बाद ही भोज भात होता है, पहले होता है सेवा भाव। थैंक यू। एक एक सवाल है मेरा, केकवा पिघल जाए भाई। अपने अभी बताया कि ये देखिए वैशाली टीम के तरफ से 5001 सचिन जी ने अनाउंसमेंट किया है, तो 35,000 में 10,000 तो ऐसे ही हो गए, वैशाली से ही 10,000 आ गए। तो नेक दिल वाले लोग वैशाली के हम भी हैं, वैशाली के ये भी भाई हैं, वैशाली के वो भी भाई हैं, देश मैं वैशाली के बेटी हैं पहले, मैं पहले वैशाली की बेटी हूँ, वैसे मैं देश के लिए हूँ। अच्छा मैम, ये अशोक चौधरी वैशाली से अशोक चौधरी जी 2500 रुपए दिए हैं, तो 35,000 देखिए, ये होता है ताकत, ऐसे होता है समाज सेवा। अच्छा आपने बताया अभी कि ये जो जिनको भी आप कीमो के लिए पैसा इंतजाम कर रहे हैं जिनके लिए, वो आपके मेंबर्स हैं? नहीं नहीं, मेंबर नहीं है वो एक ड्राइवर है, जो कभी भी हम कहीं जाते थे तो उनकी गाड़ी बुक करके जाते थे। अच्छा, कैंसर क्लिनिक के लिए कितना आगे कर रही हैं? देखिए कैंसर ऐसे तो हम करना उतना हम सक्षम है नहीं, लेकिन हम हजारों की जान नहीं बचा सकते, लेकिन हम दो चार की जान तो बचा ही सकते हैं, मेहनत कर ही सकते हैं। मैं हूँ ही क्या भाई, ना नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना प्रशासनिक हूँ, ना सरकार हूँ, एक मामूली सी महिला हूँ। और अगर ऐसे में किसी एक को भी मदद कर रही हूँ, चंदा मांगे भीख मांगे, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बताइए मैम, कोई मरीज कैंसर पेशेंट है, यहाँ से अगर बॉम्बे जाता है, अगर आप उनकी उनका हेल्प करना चाहते हैं कैसे करेंगे? बॉम्बे चला गया पेशेंट कैसे? देखिए पहले तो विनय दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं कि आज जन्मदिन के अवसर पर इससे नेक काम क्या होगा। आप किसी 5-स्टार में जन्मदिन मना सकती थी अपने परिवार के साथ, लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर इससे बेहतर संदेश समाज को कुछ नहीं मिल सकता। आप पूछ रहे थे कि कैंसर पीड़ित, तो मैं बता दूं कि कैंसर पीड़ित को सरकार की ओर से मदद दी जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर पैड पर अगर लिखकर कैंसर पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है जिस अस्पताल में, अगर वो तो मैं उस क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो अपने लेटर पैड पर लिख कर दे देंगे, तो उनको उनके इलाज का पैसा उनके हॉस्पिटल को जाएगा। जो उनको एक वहां से देना पड़ता है कि भाई इनके इलाज में कितना खर्च है, और हॉस्पिटल उनको पैसा भेज देती है। तो ये कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको नहीं जानकारी है, आप बता सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे अपने लेटर पैड पर लिख कर दे देंगे, उनको सहायता मिल जाएगी। तो क्या महिला विकास मंच आगे तत्पर है? बिल्कुल, आगे अगर इस प्रकार की कोई सहायता होगी, भारत के किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर लिखवाना होगा, हम लोग निश्चित रूप से लिखवाने में सक्षम है, लेटर पैड पर लिखकर उनको मिलेगा। और बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार ताली बजाइए वीना देवी के लिए कि आज उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पर इससे नेक काम क्या होगा कि उन्होंने कैंसर पीड़ित को मदद किया है, तो ये बहुत ही, और देखिए लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम चाहेंगे कि अब हम लोग केक कटिंग करें। एक बार रितु जी ने, हमारी जो दिल्ली अध्यक्ष है, वो बोली है कि जो इसके बाद का दो केमो होगा वो अपनी तरफ से उनको बुला के राजीव गांधी में करवाएंगी, वो अपनी तरफ से। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ओवर मैक्सिमम सर्जन हूँ और महिला विकास मंच के लिए हर तरीके से समर्पित हूँ। ये खुद डॉक्टर हैं, इन्होंने जैसे ही सुना कि ये नेक कार्य हमारी महिला विकास मंच की ओर से हो रहा है, तो एक का हम सब लोग जमा कर दे रहे हैं और दो केमो का भार इसने उठा लिया है। तो इरफान जो गाड़ी बेचने जा रहा था, आज उसका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया। महिला विकास मंच 1100 हमारी पटना अध्यक्ष रानी जायसवाल जी और सब लोग को धन्यवाद है जो इस नेक कार्य में सब लोग सहभागी बने, तो आप बर्थडे मनाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग सब विश कर रहे हैं। और एक हफ्ता पहले जो मैंने वीडियो डाला था इरफान की बहन की जान बचाने के लिए, और आज वो वादा हमने पूरा किया। मतलब इस तरह हम काम करते हैं। सोशल मीडिया भाइयों, आप लोगों ने 200 से ज्यादा की मदद नहीं की, इस बात का हमें दुख रहेगा। थैंक यू विमल भैया। 2000 मोहन जी, हाँ जो हम लोग